जी देखो भाई आया तुमसे मिलने। ऐसी हिम्मत कि हमारी हवेली में पैर रखकर आवाज लगाएं? तुम्हारे लिए शगुन लाया है दीदी। दीदी देख भाई आया है तुमसे मिलने। दीदी ठाकुर मालक तनी शांति से काम लीजिए। हल्दी सिंह इतने पैर धरने से पहले अपने अंतिम संस्कार कट्ठी का किसी को दे आयो कि नहीं? तुमसे हमारा हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं। सुनिए ये हमें शगुन देने आए हैं। घर से इस तरह सुहाग का शगुन लौटाना अशुभ होता है। बस दो मिनट इन्हें हमसे बात कर लेने दीजिए, फिर दोबारा इस हवेली में कभी नहीं आएंगे। जीवन से इतना मोह बिगड़ गया है तो और भी तरीके हैं जान देने के। हमारे आंगन में ही गोली खा के पसने काहे चले आए? तुम्हारे सुहाग की वजह से का भुगत रहे हम। आंगन में खड़े होकर नहाना पड़ता है। एक काम करो, तुम अपने घर में गृह प्रवेश की पूजा रखाओ। पूजा के बाद एक बढ़िया सा जलसा भी कराओ। बम सुखिया से कहकर बेटियों की राय भी करवाओ, शुभ भी होगा। और आगे के लिए हम तुम्हारे जीजाजी से कहकर तुम्हारे लिए कछु न कछु करवा देंगे। अब ये रही आगे की बात, लेकिन अभी के लिए हम तुम्हें वादा करते हैं कि कल से तुम्हें आंगन पे नहीं नहाना पड़ेगा। एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे संसार में हमारी बहन जैसी कौनो बहन नहीं है। जे लो चलते हैं। अरे विक्रम, हम सोच रहे थे कि दो तीन हफ्तों में बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा कर गृह प्रवेश की पूजा करवा लेते हैं। वो कहा है कि पूजा हवन के बिना हवेली में रहना शुभ नहीं होता। ठाकुर साहब, आपकी ये बात भी मान ली हमने। चिंता ना करिए, बहुत जल्द एक गृह प्रवेश की पूजा भी करवाएंगे और साथ में जश्न भी करवाएंगे, ठीक है? शाबाश विक्रम, शाबाश। हम आज ही पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं। एक 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 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पंडित जी से कोई बात नहीं होगी, पहले ये तय करना होगा कि आदित्य कब आ सकते थे। उसके बिना हमारी कोई खुशी, कोई पूजा, कोई जलसा पूरा नहीं हो सकता। विक्रम, हम तुम्हारे और तुम्हारे भांजे के बीच का ये प्रेम समझते हैं, पर क्या कुंवर आदित्य यहाँ आएंगे? अरे गांव के नाम से ऐसे भिदकते हैं जैसे मधुमक्खी का झुंड धुएं से भिदकता है, पांव तक नहीं धरेंगे यहाँ। अरे अगर विक्रम भैया बुलाएंगे ना तो दौड़े चले आएंगे कुंवर आदित्य। इनकी बात कभी टालिया क्या उन्होंने? नहीं कुहू, इतना आसान नहीं है उसे मनाना। लेकिन अगर उसके मामा जी को कुछ हो जाए तो शायद खुद को रोक भी ना पाए। मतलब? मतलब हम समझ गए चाचा। हेलो हेलो कुंवर आदित्य। हाँ हम कुहू बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो बहुत बुरी खबर है। वो विक्रम भैया ना हवेली के छत से नीचे गिर गए और उनके पैर में ना बहुत चोट आई है। आप जल्दी आइए प्लीज प्लीज। अब आ जाएगा वो। ओ रामसुख भैया, थोड़ी दाल दे दो, थोड़ी सी। अकेले चावल कैसे खाया जाएगा, परेशानी है, थोड़ा समझ लो। गुलाबिया, परेशानी समझ समझ के तो अभी तक के इतना उधार दिया है। जो भी मांग रही है इसे दे दे और हिसाब हवेली के खाते में लिख लेना। जी। ठकुराइन देवी, इसकी कौनो जरूरत नहीं थी। जरूरतें ना बड़ी होती तो इस तरह हवेली के दरवाजे पर मांगने ना पहुंचती तुम गुलाबिया। माँ बेटी पिली पड़ी है दसों दिशाओं में कि जहाँ पकड़ मिले वहीं लटक जाए। पहले हमारे बेटे के साथ बदमाशी की और अब ठाकुर विक्रम सिंह को लपेटने लगी है।